नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदीप सिंह अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। और फिर से एक वीडियो है, मुझे कमेंट भी था आया हुआ और कुछ लोगों ने ऐसे भी पूछा था कि रोमानिया में रहना, खाना पीना ये चीज़ें एक्सपेंसिव है, लिविंग कॉस्ट क्या पड़ती है यहाँ पर हेड एक आदमी को। इस पे हम लोग आज बात करेंगे। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें नए बंदों के लिए, वीडियो ज़रूर देखा करें क्योंकि ये आपके लिए है। मैं तो यहाँ ही रह रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब मैं हर चीज़ सीख गया हूँ, सीखी भी खुद ही है, किसी ने नहीं बताया। तो मैं बताता हूँ इसलिए कि आप लोगों चीज़ों से बच सके, उन स्कैम से बच सके। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी है जो आपको एक तरह से आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ कैसे करनी है, कहाँ से ढूंढनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करनी है, टैक्सी कैसे अवॉइड करनी है, ये चीज़ें हैं छोटी छोटी पर बेनिफिट देंगी आपको। तो चलो बात करते हैं लिविंग कॉस्ट के बारे में। लिविंग कॉस्ट का अगर दो या तीन लोग एक अपार्टमेंट बाय करते हैं दो कमरों का, तो 700 से लेके 1000 रोन के बीच बीच वो आ जाता है। चाहे आप एक फैमिली हो, साथ में आपके बच्चा भी हो और हस्बैंड वाइफ हो, या दो तीन लड़के मिलके। कभी कभी कंपनी अगर आपको अच्छा अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करता तो आप 700 से लेके 1000 रोन के अंडर अंडर आपको एक अपार्टमेंट मिल जाएगा। डिपेंड करता है कौन से सेक्टर में है। ये तो है बुकारेस्ट की बात। बुकारेस्ट से बाहर जो छोटे शहर हैं, हो सकता है उसमें आपको और भी सस्ते में मिल जाए। और अगर आप विलेज की बात करें तो हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा दिल वाला इंसान मिल जाए, जो गांव के लोग अच्छे होते हैं, वो आपको बिना कुछ लिए हुए ही अपने पास रख ले। हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। तो ये एक बात है कि आपका रहने का खर्चा, अगर तीन लोग भी एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो उनको 300 या 350 इतना ही रोन जो डिवाइड करके आएगा, सही है। तो ये तो होगी एक बात। और इसमें कोई कोई ओनर जो आपको बिजली पानी साथ में हीटर प्रोवाइड करते हैं, हीटर सर्दियों में बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको अलग से देना पड़ता है। मैं आपको शो करता हूँ, जैसे ये एक हीटर है, तो अगर आपकी बिल्डिंग में ऐसा हीटर है तो आपको इसके हीटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटीज़ भी साथ में होती है, बिजली पानी भी होता है और साथ में गर्म पानी का। ये चीज़ें कुल मिला के फिर भी आपको 1000 के बीच में कवर हो जाएगा, अगर इन चीज़ों को भी इंक्लूड करें तो। तो ये तो हो गया लिविंग कॉस्ट 1000 रोन में। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको ये चीज़ें ढूंढनी कहाँ से, अगर आपको एक रूम चाहिए तो इनका एक ओलेक्स है, ओएलएक्स है जो इनका है, रोमानिया का है। तो आप उसको अगर ओपन करोगे तो उसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है, गाड़ी, रूम, हाउस रेंट, प्रॉपर्टी कोई भी बाय करनी है या कोई जॉब, हर चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। बस ये है कि ये होता है इनकी लैंग्वेज में, जस्ट आपको समझना चाहिए या उसकी डिस्क्रिप्शन को आप कॉपी पेस्ट करके आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। बाकी ज़्यादातर जब जिन्होंने नंबर दिए होते हैं वो इंग्लिश में बात करते ही है। तो ये तो होगी कि आपका रहने का। अगर खाने का बात करूँ तो एक बंदे का मंथली जो खाना है, अगर वो सिंगल खाता है तो हो सकता है 500 रोन तक उसका खाने का, पीने का, हर चीज़ का आ जाए। अगर आप तीन लोग या चार लोग एक साथ खाना बनाते हो तो आपका, मुझे नहीं लगता, 300 से ऊपर, रोन से ऊपर आपका खर्चा आएगा। क्योंकि जब हम लोग एक साथ खाना बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा बच जाता है, और अगर आप सिंगल सिंगल करते हो तो आपका खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है। पर कुल मिला के एक साथ 300 से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपको 300 रोन घर के रेंट के लिए देने पड़ रहे हैं, 300 या 400, और 300-400 आपको खाने का देना पड़ रहा है, तो आपका 800 रोन में अच्छे से यहाँ पे रहना हो सकता है। और आप बाहर अगर रूम लेते हो
कंपनी की अकोमोडेशन में नहीं ले रहते तो आप एक अच्छे एरियाज में रह सकते हो, और एक पब्लिकली जो एरिया है उसमें रह सकते हो, तो उसमें आपको बहुत से बेनिफिट है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, और बाहर रहोगे तो आप हर चीज़ को जल्दी से कवर करोगे। और इसके बीच अगर आप रहते हो तो आपको लाजमी अपनी कंपनी में काम पर जाना आना है, तो आप मेट्रो या बस और ट्रैम यहाँ पे जो चलती है इनको यूज़ कर सकते हो, इनके मंथली कार्ड बन जाते हैं। एक मंथ का मेरे ख्याल में मुझे अभी भूल गया, मे बी 60 या 70 रून में कार्ड आ जाता है मंथली। वो ट्रैम्प और बस दोनों में अनलिमिटेड फ्री होता है, आप कितना भी 1 महीने में ट्रैवल करना चाहो कर सकते हो रोन में, ठीक है जी। तो मेट्रो का अलग से बनता है, तो बस और ट्रैम्प आप एक ही कार्ड पे जितना मर्जी ट्रैवल करो, चाहे 24 घंटे ही एक दिन में घूमते रहो तो कोई नहीं आपको पूछने वाला, वो अनलिमिटेड होता है। तो मेट्रो 3 रोन में आप सिंगल ट्रैवल कर सकते हो, तो मंथली कार्ड उसका भी 70-80 रोन का मिल जाता है, तो आप अनलिमिटेड बार मेट्रो में आ जा सकते हो। तो ये तो हो गई बाहर रहने की, खाने की, ट्रैवल करने की। और इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बता देता हूँ कि अगर आप कंपनी में आते हो तो वैसे तो आपको कंपनी फूड और अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। और कोई कंपनी खाना दे देती है, कोई कंपनी पैसे देती है, कोई कंपनी फूड का मटेरियल बंदों को ला के फ्रिज में डाल देती है कि आप बनाओ खाओ, जो चीज़ कम हो हमें बता देना। तो वैसे तो ऐसा ही होता है, अगर इसमें कोई बंदा चाहे कि नहीं मुझे बाहर ही रहना है, तो वो अपना रूम वगैरह 2-3 बंदे एक साथ मिलके ले सकते हो। तो ये तो होगी आपकी लिविंग कॉस्ट की बात, और मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ें बताई कि क्योंकि हम लोग भी बाहर रहते हैं, मैं और मेरा भाई चाइना की एक कंपनी में काम करता है, और मैं आपको भी पता है जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो उसमें ये है कि बाहर रहते हैं तो अपनी मर्जी से हर चीज़ है, आपकी लाइफ का हर, अगर आप एक कंपनी की जगह पे ज़्यादा लोगों के बीच रहते तो आप एक बाउंड होकर रह जाते हो, और मुझे वो रहना पसंद नहीं है। मैं एक चाहे मेरे लिए वो चीज़ एक्सपेंसिव हो, पर मैं अकेला रहना या अपनी मर्जी से रहना पसंद करता हूँ। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको फैमिली के साथ आना है तो सेम उसमें आपको डबल बेनिफिट हो जाता है कि आपकी वाइफ भी काम करती है, आप भी काम करते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है बाहर सरवाइव करना, या बाहर के खर्चों को अफोर्ड ना कर पाए। अगर आपको 3-3.5 हज़ार अगर कंपनी सैलरी देती है तो उसमें 1,000 आपका खर्चों में भी जाता है, तो आपको फिर भी 2,500 बचता है, यानी कि इट मीन्स इंडिया का 40,000 तो मंथली आप बचा सकते हो। और उसमें अगर आप पार्ट टाइम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, सैटरडे संडे या आप लोग काम करते हो, तो वो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देती है। और फिर से वही बात कि मैं राजधानी में रहता हूँ, राजधानी थोड़ी एक्सपेंसिव है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, पर अगर आप लोग छोटी सिटी में रहते तो वो खर्चा और भी कम आ जाएगा। और मुझे लगता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपके पास मेरा ऑलरेडी लिंक है तो मैसेंजर का, तो कोई भी बात हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, मैं आपका दोस्त प्रदीप सिंह, नमस्कार।